हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख में एलएसी के पास अपने फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए चीन बना रहा है नए एयरबेस। इंडियन आर्मी ने किए 600 राइफल्स में देसी जुगाड़। चीनी मीडिया ने फिर से किया गलवान घाटी वाली घटना पर चाइनीज कैजुअल्टीज की नई संख्या का खुलासा। अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण के पीछे पाकिस्तान मिनिस्टर ने जिम्मेदार ठहराया भारतीय एजेंसी रॉको। और इस साल के अंत तक IMRH प्रोग्राम की मंजूरी के लिए HAL अप्रोच करेगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को। एलएसी पर भारत के मुकाबले चीन अपने फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अब पूर्वी लद्दाख जैसे एरिया के पास अपने कुछ नए एयरबेसेस को विकसित कर रहा है, जो कि चाइनीज एयरफोर्स द्वारा उनके फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होंगे। और चीन के जो ये नए एयरबेस है, ये सिंगजियांग प्रांत के साक्षेक टाउन में बनाए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक चीन के जो ये नए एयरबेस है, ये कसगर और होतान जैसे क्षेत्रों पर पहले से मौजूद चीन के एयरबेसेस के बीच में स्थापित होंगे। और इन नए एयरबेसेस की मदद से चाइनीज एयरफोर्स इस रीजन में उनके फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस की जो लिमिटेशंस हैं और जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रही है। और जबकि सोर्सेज के मुताबिक ये जो बेस है, ये निकट भविष्य में फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए तैयार भी हो जाएंगे और इनको बनाने का जो कार्य है वो काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि इंडियन एजेंसीज की तरफ से सीमा पर चीन की हर एक गतिविधि पर करीब से नजर रखी जा रही है। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि बारहौती में उत्तराखंड सीमा के पास जो चीन के एयरफील्ड हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में अनमैन एरियल व्हीकल्स को लाया गया है और जो कि इस रीजन पर कंटिन्यूसली उड़ान भी भर रहे हैं। वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के फ्रंट लाइन ट्रूप्स द्वारा इस्तेमाल की जा रही US ओरिजिन की 6 और 6 716 असॉल्ट राइफल, जो की 7.62x51mm की राइफल है, तो अब इस राइफल को नाइट ऑपरेशंस के लिए भी एक बेहद ही रिलायबल वेपन बनाने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा इसमें कुछ देसी जुगाड़ किए गए हैं। और द प्रिंट की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की इन 600 राइफल्स में एक जुगाड़ किया गया है इसकी साइट पे, और जिसके तहत कुछ राइफल्स में ऐसी साइट्स इस्तेमाल की गई हैं जिनमें नाइट विजन कैपेबिलिटीज भी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो साइट्स इस्तेमाल की गई हैं वो स्टेट रन और प्राइवेट इंडियन फर्म दोनों के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हैं। और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ इस नई साइट वाले जुगाड़ के साथ जो सोल्जर्स हैं वो इस 6 और की राइफल से रात के घने अंधेरे में भी डायरेक्टली शूट कर सकते हैं। और 6 और की राइफल में जो साइट सिस्टम लगाया गया है उसमें एक पॉइंटर है जो कि सोल्जर को एग्जैक्टली ये बताता है कि बुलेट किस जगह पर हिट करेगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने इस राइफल को और भी अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए इसमें कुछ और एडिशनल किट्स लगाई हैं जो कि इस राइफल को एक बेहतरीन ग्रिप देते हैं, जिससे जो शॉर्ट हैंड वाले सोल्जर्स हैं वो भी इसको आसानी से हैंडल कर सकें। इसके अलावा इस राइफल के एम्यूनिशन से जुड़े हुए इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडियन आर्मी ने इसमें इस्तेमाल होने वाली ओरिजिनल अमेरिकन मैन्युफैक्चर एम्यूनिशन के बदले भारत में लोकली मैन्युफैक्चर्ड और आसानी से उपलब्ध राउंड्स का इस्तेमाल किया है, जो कि 7.62 वाले लाइट मशीन गन के राउंड्स हैं। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हाई पावर राउंड होने की वजह से जो ये राइफल है इसका रिकॉयल भी बढ़ जाता है। और सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी इस राइफल में बाइपॉड को भी ऐड करने की योजना बना रही है, जो कि एक तरीके से राइफल का स्टैंड होता है और इसकी मदद से सोल्जर्स इस हथियार को अलग अलग सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये जानना चाहता है कि इंडियन आर्मी ने AK-203 असॉल्ट राइफल जैसी डील होने के बावजूद 6 और राइफल्स को क्यों खरीदा है, तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने इस बात से इनकार किया है जिसमें यह कहा गया था कि एलएसी के विवादित हिस्से और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बफर जोन में कोई रीइन्फोर्समेंट था। और इंडियन आर्मी चीफ ने इन बातों को खारिज करते हुए अपने कड़े शब्दों में ये कहा है कि इन विवादित क्षेत्रों के हिस्से में एक ईंट भी नहीं रखी गई थी। यानी कि जो ऐसी रिपोर्ट्स थी जिनमें यह कहा गया था कि लद्दाख में एलएसी के जो अनसेटल्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन है उनके पास ही चीन अपने कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स को बना रहा है, तो इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक इस तरह की रिपोर्ट्स में गलत सूचना दी गई है। और जबकि आर्मी चीफ का ये कहना है कि दोनों पक्ष एग्रीड पोजीशन पर पीछे गए हैं और पूर्वी लद्दाख के अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास जो विवादित क्षेत्र है वहां पर किसी भी तरह का सेटलमेंट नहीं हुआ है। बाकी इसके अलावा हमारे चिंदी पड़ोसी की चिंदी मीडिया गोबर टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल जो गलवान घाटी वाली घटना हुई थी उस घटना में चीन के 5 सोल्जर्स मारे गए थे और जिन्हें मरणोपरांत इसी महीने की 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई 2021 को चीन के हाईएस्ट पार्टी ऑनर मेडल से सम्मानित किया गया है। और अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ समय पहले तक यही चीनी मीडिया ये दावा कर रही थी कि इस गलवान घाटी वाली घटना में चीन की 4 कैजुअल्टीज हुई थी, लेकिन अब यह नंबर बढ़ के 5 तक पहुंच गया है। और इतना ही नहीं बल्कि चीनी मीडिया की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई है जिस पर उन्होंने पहली बार गलवान घाटी वाली घटना में चीन के लिए अपना बलिदान देने वाले चाइनीज ट्रूप्स के बारे में बताया है। और उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जब ये घटना हुई थी तो उस समय कई सारे चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन ट्रूप्स ने घेर लिया था, जिसमें चाइनीज आर्मी का रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल था।
हालांकि वो बात अलग है कि अभी कुछ समय पहले गलवान घाटी वाली घटना को लेकर जो चीन की तरफ से वीडियो जारी की गई थी उस वीडियो में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। और बाकी अब जिस तरीके से इनकी कैजुअल्टीज की संख्या बदलती जा रही है तो उससे तो ऐसा लगता है कि मानो एग्जैक्ट कैजुअल्टीज तक पहुंचने में चीन को अभी करीब 10 से 20 साल और लगेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि गलवान घाटी वाली घटना में इंडियन ट्रूप्स ने 4-5 नहीं बल्कि 40-50 चीनी सैनिकों को गोलगप्पे तो जरूर खिलाए थे और ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सोपिया में लॉन्च किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान अभी तक दो आतंकियों को उनकी हुरों तक पहुंचाए जाने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जिनसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी बरामद हुए हैं। और इन दो आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर अबू अकरम भी शामिल था जो कि लगभग 2017 से ही सक्रिय था। बाकी आतंकियों से याद आया, अभी हाल ही में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद की तरफ से दावा किया गया है कि अभी पाकिस्तान में जो अफगान राजदूत की बेटी का अपहरण हुआ था फिर जिसके बाद उन्हें कई घंटों तक टॉर्चर भी किया गया था, तो इस पूरी घटना के पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का हाथ है। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के इस दावे को सुनकर हम तो यही कहेंगे कि हमारे निकम्मे पड़ोसी के पास भी तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है। पाकिस्तान ने अपने पास एक से बढ़कर एक तेजस्वी मिनिस्टर्स रखे हुए हैं। और वैसे सुनने में ये भी आया है कि हमारे पड़ोस में जल्द ही स्पीड की लाइट से चलने वाली ट्रेन भी आने वाली है और वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज अगली ट्रेन डेवलप हो रही है। वैसे जिनके पास दुनिया का सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 है तो उनके पास स्पीड की लाइट से चलने वाली ट्रेन का होना भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। खैर इस तरह की ट्रेन जब भी आएगी वो तो तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक जरूर कर दें। भारतीय एरोस्पेस कंपनी HAL जो IMRH प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तौर पर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर को डिजाइन और डेवलप करने की योजना बना रही है तो इसके हिस्से के तौर पर HAL को इस बात की उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में वे इस IMRH प्रोजेक्ट की जो डिटेल रिपोर्ट है उसे फाइनलाइज कर लेंगे और फिर इसके बाद इस साल के अंत तक वे इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अप्रोच करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन नेवी भी इस IMRH प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है और इस प्रोग्राम के तहत फोर्सेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर्स को कस्टम बिल्ड किया जाएगा। बाकी इसके अलावा आज अटारी वाघा बॉर्डर के पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो ये एक्सप्लोजन हुआ है ये भारत पाकिस्तान सीमा के साथ पाकिस्तान की तरफ हुआ है, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद से भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है और फिलहाल इस घटना से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। इन सबके अलावा एक रिपोर्ट है रशिया से जहां रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपने 6th जनरेशन इंजन के R&D वर्क को लॉन्च किया है, यानी कि रशियन कंपनी ने अपने 6th जनरेशन इंजन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और रशिया का जो ये नया इंजन है ये कंबाइंड पावर प्लांट के साथ आएगा और इसमें अधिक इलेक्ट्रिक इंजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।